पीएम नरेंद्र मोदी को जूदा दिखाने वाले को $1,00,000 इनाम की घोषणा करने वाले पन्नू को आज सिख समाज के संरक्षक जसपाल अरोड़ा करारा जवाब देते हुए कहा कि पन्नू के सिर काटने वाले को मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। गौरतलब है कि पन्नू खालिस्तान समर्थक है और देश की शख्सियतों के बारे में इस तरह की अंतर्गत बातें करता है। आज इस तथाकथित पन्नू को सीहोर सिख समाज के संरक्षक जसपाल अरोड़ा ने करारा जवाब दिया। आज कोई पन्नू है जो पाकिस्तान से पैसे और फंड लेकर विदेश में रहकर मोदी जी को जूता दिखाने की बात कर रहा है और $1,00,000 देने की बात कर रहा है। मैं सिख समाज की ओर से ये कह रहा हूँ, मैं सिख समाज यहाँ का भी संरक्षक हूँ, कि हम 10 करोड़ रुपये देंगे, कोई उसका सर काट के ला के दे, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए सब बोल सकता है वो हमारे देश का है नहीं, ना वो सिख है, उसके पहनावे से भी लग रहा है वो सिख नहीं है। हमारे गुरुओं ने देश और धर्म की खातिर अपने पूरे परिवारों को बलिदान कर दिया। ये एक साजिश चल रही है क्योंकि सिख और हिंदू एक ही है, दोनों पे एक ही लागू होता है और दोनों के संबंध भी वैवाहिक भी हैं और सब तरह के हैं। तो ये जो बदमाशी कर रहे हैं इस देश में व्यवस्था फैलाने की, ये इसको फंडिंग हो रही है विदेश से, और ये मोदी जी को जूता दिखाने की बात है, ये आँख भी नहीं दिखा सकता कोई। हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ हैं। मैं पूरे सिख समाज को, हमारे मध्य प्रदेश के सिख समाज को और अन्य प्रदेशों के सिख समाज को भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि इस समय सब इस पन्नू को पकड़ के लाने के लिए सारे लोग सेंट्रल केंद्र की सरकार को आग्रह करें और ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाकर देशद्रोही साबित करके और उसको फांसी दी जाए। हम सारा सिख समाज प्रधानमंत्री के साथ हैं और किसानों की राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो शांतिपूर्वक करते रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ इस प्रकार से उंगली उठाएगा और देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करेगा, ये साजिश है बहुत बड़ी। तो मैं सब पुरजोर व्यक्त कर दूँगा और मैं ये फिर पुनः कहूँगा कि हम जो उसका सर काट के ला के देगा, चाहे वो जहाँ भी हो, तो उसको 10 करोड़ रुपये का इनाम हम देंगे। धन्यवाद। सीहोर से कवि छोकर की ये रिपोर्ट।